सेवादल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया है कि परासिया रोड पर दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। इस दुर्घटना की वजह है पार्किंग। यदि गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्थित जगह पर किया जाए तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। इस संबंध में आज कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले एवं प्रतिनिधि गण पुलिस अधीक्षक संजीव उइके से मिलकर परासिया रोड की जानकारी दी और मांग किया कि परासिया रोड पर पार्किंग व्यवस्था नहीं है ठीक से। इस रोड पर बड़े बड़े लॉन है, बड़े बड़े मॉल है, हॉस्पिटल है, बैंक है और अन्य दुकानें भी हैं। इन सभी स्थानों में पार्किंग रोड पर कर दी जाती है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं दुर्घटनाएं होने की स्थिति बनी रहती है। सुरेश कपाले ने जानकारी में इंदिरा तिराहा के आगे स्टेडियम के सामने की रोड का भी पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया है और मांग की है कि स्टेडियम के सामने यू टर्न वाली रोड है, इस स्थान पर भी यातायात विभाग को कई बार जानकारी दी गई है कि इस स्थान पर स्थायी रूप से पुलिस ड्यूटी लगाई जाए जिससे दुर्घटना से बचा जा सके, लेकिन यातायात विभाग ने अभी तक कोई पुलिस कर्मी नहीं लगाया है। कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने यह मांग किया है कि परतला से लेकर इंदिरा तिराहे तक रोड के दोनों तरफ पार्किंग व्यवस्थित की जाए और जो वाहन अव्यवस्थित रोड पर खड़े पाए जाते हैं तत्काल कार्रवाई किया जाए। इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले, जिला उपाध्यक्ष राकेश मरकाम, गजेंद्र इंदोरकर, नेपाल सिंह उइके, नफीस खान आदि प्रतिनिधि गण उपस्थित पाए गए। आज कांग्रेस सेवा दल का प्रतिनिधि मंडल जिले के पुलिस अधीक्षक से मिला और मिलकर यह मांग की कि जो परासिया रोड अभी डिवाइडर बना है, डिवाइडर के आजू बाजू जो रोडें बनी हैं और रोडों पर परासिया रोड पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, हॉस्पिटल है, मैरिज लॉन है और दुकानें, यहाँ तक कि दुकान परासिया रोड पर अस्थायी रूप से अतिक्रमणकारियों ने, व्यवसायी ने अपना कब्जा भी करता है। तो ये इस वजह से परासिया रोड पर आने जाने में बड़ी असुविधाएँ हो रही हैं। कई बार यातायात पुलिस का ध्यान हम लोगों ने आकर्षित किया लेकिन पुलिस यातायात विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज संगठन को मजबूर होकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष जाना पड़ा और यह मांग की गई कि पुलिस अधीक्षक महोदय जी तत्काल जो अवैध रूप से पार्किंग रोड पर की जा रही है उन पार्किंग को तत्काल हटाया जाए, उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये परासिया रोड खाली किया जाए ताकि आम आदमी को आने जाने में सुविधा हो सके और किसी प्रकार के एक्सीडेंट ना हो, असुविधा ना हो। जो पार्किंग है, जो मेडिकल्स हैं, जो दुकानें हैं, जो मॉल्स हैं, वो अपनी स्वयं की पार्किंग बनाए, अपने वाहनों को, अपने ग्राहकों के वाहनों को और कर्मचारियों के वाहनों को अपने निर्धारित स्थलों पर पार्किंग कराएं जिससे कि रोड पूरा खाली हो और लोगों को आने जाने में सुविधा हो। साथ ही साथ में स्टेडियम ग्राउंड के सामने यातायात विभाग द्वारा यू टर्न बनाया गया। यू टर्न बनने से आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट की स्थिति है, लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट होने के कारण हमने मांग की है यातायात विभाग से कि यहाँ पर स्थायी रूप से यातायात विभाग का कोई पुलिस कर्मी लगाया जाए ताकि यहाँ का यातायात रोका जाए और कंट्रोल हो, यहाँ पर एक्सीडेंट ना हो। लेकिन यातायात विभाग द्वारा आए दिन यह झूठ बोला जाता है कि हमने पुलिस यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन आज तक कोई यहाँ पर यातायात का पुलिसकर्मी नजर नहीं आता। आदरणीय अधीक्षक महोदय से हमारा निवेदन है इसको गंभीरता से लें और तत्काल कार्रवाई करें और लोगों को संतुष्ट करें और अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से गजानन बोरकर की रिपोर्ट।